दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाकर क्रिकेट की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। दोस्तों आप टीम इंडिया को दूसरे वनडे में जीतता हुआ देखना चाहते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मौजूदा समय में 5 वनडे मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला 23 जनवरी को खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी शानदार रहा और इस मैच को भारत ने 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की है। अब दूसरा मुकाबला 26 जनवरी को खेला जाना है और इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम में कुछ बड़े बदलाव दिखे जा सकते हैं। इस मैच का लाइव प्रसारण आप DT न्यूज, जियो TV, हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से है बड़े बदलाव। दूसरे वनडे में रोहित शर्मा को भारतीय टीम से बाहर बैठाया जा सकता है, क्योंकि चौथे वनडे मुकाबले से T20 सीरीज तक रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान होंगे। ऐसे में पहले मुकाबले में खराब प्रदर्शन और साथ ही आगे टीम की जिम्मेदारी को देखते हुए रोहित शर्मा को दूसरे और तीसरे वनडे के लिए आराम दिया जा सकता है। रोहित शर्मा के आराम के बाद भारतीय टीम में शुभमन गिल को मौका दिया जा सकता है। यदि गिल को मौका मिला तो यह अपना डेब्यू मैच खेलते हुए दिखाई देंगे। दूसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर अंबाटी राइडू को आराम देते हुए दिनेश कार्तिक को खेलने का मौका दिया जा सकता है। गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल को टीम से बाहर बैठाते हुए रविंद्र जडेजा को एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल किया जा सकता है। रविंद्र जडेजा के टीम में आने के बाद भारतीय टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में काफ़ी मजबूती दिखाई देती है। ये रही भारत की संभावित 11। शुभमन गिल, शिखर धवन, विराट कोहली कप्तान, MS धोनी विकेट कीपर, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और विजय शंकर। तो दोस्तों आपके हिसाब से ये संभावित प्लेइंग 11 कैसी है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और किस खिलाड़ी को इस टीम में शामिल करना चाहिए इसके बारे में भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।